हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन मॉमिन इजराइल सो हियर आई एम बैक विथ अनदर रेसिपी आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल तड़का पालक या पालक दाल तड़का जो भी आप इसे कह कहें कह सकते हैं तो uh, मैं बना रही थी मैंने सोचा ये रेसिपी मैंने शेयर नहीं की हुई है तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ वैसे भी काफ़ी 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 टाइम हो गया है मैंने कोई भी रेसिपी शेयर की आपके साथ सो लेट स्टार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और हाँ ये किचन का वीडियो पेंडिंग है बना कर रखा हुआ है बट पोस्ट करना बाकी है अपलोड करना बाकी है सो यस आई विल आई विल डेफिनेटली शेयर इट विध यू बट प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी जैसे कि मैंने बताया मैं मेरा स्केड्यूल जो है बहुत ही बिजी चलता है तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट ऑल्सो विथ यू सो लेट स्टार्ट मेकिंग दाल पालक तड़का सो फ्रेंड्स यहाँ पर है कुछ तैयारी जो मैंने की हुई है तो यहाँ पर है एक मीडियम ऑनियन एक मीडियम टोमेटो फाइनली चॉप्ड सब कुछ फाइनली चॉप्ड होना चाहिए इसमें ग्रेटेड uh, लहसुन लिया है मैंने uh, यह होगा कुछ पाँच छः कलियाँ यहाँ पर बड़ी बड़ी आती इतनी बड़ी बड़ी तो पाँच छः मैंने आप अंदाजे से ले लेना चॉप्ड uh, uh, है फाइनली चॉप्ड जिंजर ग्रीन चिलीज और तड़के में हम डालेंगे ज़ीरा और हींग फ़िलहाल के लिए बाद में जो है उसका तड़का अलग से बनाएंगे ऊपर से डालने के लिए वो घी में बनाएंगे आ, यहाँ पर मैंने लिया है बहुत सारा पालक पालक को आपको बहुत ही फाइनली चॉप कर लेना है और इसकी डंडिया जो है डिस्कार्ड कर देनी है डंडिया दाल में अच्छी नहीं लगेंगी यहाँ पर जो है मैंने आ, दाल को बॉईल कर लिया है यहाँ पर मैंने लिया है चना दाल थोड़ी सी बहुत ही एक मुट्ठी के जितना एक मुट्ठी से भी कम चना दाल मूंग दाल और तूर दाल का कॉम्बिनेशन लिया है आप ले सकते हैं मसूर की दाल और मूंग दाल या तूर दाल और मूंग दाल या तीनों ले सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसके अंदर मैं जो है इसे बनाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं राइट फ्रेंड्स right, तो यहाँ पर मैंने लिया है दो चम्मच ऑयल और उसमें मैं थोड़ा सा एक चम्मच के जितना घी डालूंगी जस्ट फॉर द फ्लेवर देन उसमें जो है हमारा जो तड़का तड़के के लिए निकाला था मैंने एक्चुअली यहाँ पर अजवाइन भी ली हुई है थोड़ी सी वही मैं आपको दिखा रही थी सो so, थोड़ी सी अजवाइन हींग और ज़ीरा ये तड़के तेल के ऊपर डाल देना है देन अदरक लहसन और हरी मिर्च डाल देनी है यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन मैंने बचा कर रखी है आप देख सकते हैं वो बाद के तड़के के लिए है अच्छे से जब ये भुन जाए अदरक और लहसुन जो है अच्छे से पक जाए तो तब आपको जो है ऑनियन डाल देना है देन सॉल्ट ताकि ऑनियन जो है अच्छे से जल्दी गल जाए और ऑनियन को आपको ब्राउन नहीं करना है बहुत ही लाइट ब्राउन जैसे आपको मैंने अभी दिखाया पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं लेकिन बहुत ही लाइट ब्राउन उसके जो जूसेस है वो ड्राई आउट नहीं होने चाहिए ऑनियन के तो उतने जब हो जाए लाइट ब्राउन तब मैंने जो है सारे सूखे मसाले Uh, यहाँ पर मैंने अंदाज़े से डाले हैं uh, बस थोड़ा सा थोड़ी सी हल्दी हाफ़ चम्मच के जितनी हल्दी देन एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच ज़ीरा पाउडर और थ्री फोर्थ चम्मच के जितना धनिया पाउडर डाला था मैंने तो वो सब मसाले जब ऑयल सेपरेट करने लगे तब आपको टमाटोज ऐड कर देना है अच्छे से भून लेना है वो मसाले बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं तो फिर बहुत कच्चा कच्चापन लगेगा दाल में तो अच्छे से भुनने के बाद टमाटोज डाल के फिर उन्हें अच्छे से गलाना है और आप, आपने देखा कि मैंने चमचे से भी स्मैश कर रही थी टमाटर बीच बीच में देन मैंने जो है आमचूर पाउडर डाला था आमचूर पाउडर बहुत थोड़ा सा उससे खटास अच्छी आती है डाल में उसके बाद जब ऑयल सेपरेट आउट हो जाए तब आपको पालक डाल देना है और पालक अच्छे से जब गल जाए तब आपको जो है दाल अपनी उबाली हुई वो डाल देनी है थोड़ा सा पानी ऐड करके सारा का सारा सारी की सारी की दाल आप डाल दें उसमें उसके अंदर कंसिस्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी गाढ़ी या कितनी पतली चाहिए दाल मैंने यहाँ पर मीडियम रखी हुई है और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसीलिए मैंने मैं धनिया नहीं डालती जब पालक डालती हूँ दाल में तो देखिए कितना अच्छा सा कलर लग रहा है और अब आप जो है नमक मिर्च सब टेस्ट कर सकते हैं मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया था और एक बॉईल आने तक उसे पकाना है और अच्छे से ध्यान से नीचे से स्टर करें क्योंकि दाल जो है कई बार नीचे लग जाती है तो ये मेरी दाल जो है तैयार हो चुकी है अब मैं बनाऊंगी तड़का और तड़के के लिए मैंने लिया है यहाँ पर बहुत सारा घी जो कि मैंने बाद में कम कर दिया था बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे घी में आपको डाल देने हैं वो बचे हुए जो लहसुन मैंने बचा कर रखे थे और लहसुन जब हल्के हल्के ब्राउन होने लगे जलाना नहीं है ब्राउन होने लगे तब आपको जो है हींग लाल खड़ी मिर्च और मिर्ची पाउडर डाल देनी है और गैस की फ्लेम बंद कर देनी है नहीं तो मिर्ची पाउडर जो है वो जल जाएगी और उसके उस तड़के को आपको इमीडिएटली जो है दाल के ऊपर डाल देना है और देखिए कितना बढ़िया लाल कलर आ जाता है उसमें जैसे रेस्टोरेंट में आता है ना बिल्कुल वैसा ही लाल कलर आ गया है इसमें और ये जो है आपकी दाल पालक रेडी हो चुकी है देखिए कितनी अच्छी लग रही है मैं इसे सर्व कर रही हूँ विथ राइस So, friends, that was my recipe for today. I really hope you enjoyed it. And uh, do uh, try this recipe and let me know in the comment section. And please hit the like button, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, Indian Mom in Israel. Now, see you. Bye bye. <laughs> Take care. Until the next video. Bye bye.